सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। आज सतबरवा में झारखंड शिक्षा परियोजना प्रखंड संसाधन केंद्र के ट्रेनिंग हॉल में डॉक्टर मनोज कुमार तिवारी ने विधिवत दीप प्रज्वलित कर 4 दिवसीय प्रारंभिक शिक्षकों के प्रशिक्षण की शुरुआत की। डॉक्टर तिवारी ने अपने संबोधन में कहा कि सन 2020 में नई शिक्षा नीति आरंभ की गई थी, जिसको संचालित करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं एवं नई शिक्षा नीति के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए निपुण भारत योजना आरंभ की गई है। इस योजना के माध्यम से आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता के ज्ञान को छात्रों तक पहुंचाया जाएगा एवं इसके माध्यम से हम आपको निपुण भारत योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। बच्चों को विद्यालय में किस प्रकार से हम खेल खेल में बच्चों को पढ़ा सकते हैं और उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। बता दें कि निपुण भारत योजना को शिक्षा मंत्रालय द्वारा आरम्भ किया गया है। इस योजना के माध्यम से सक्षम वातावरण का निर्माण किया जाएगा, जिसके माध्यम से आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के ज्ञान छात्रों को प्रदान किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से सन 2026 से 2027 तक प्रत्येक बच्चे को तीसरी कक्षा के अंत तक पढ़ने लिखने एवं अंकगणित को सीखने की क्षमता प्रदान की जाएगी। इस योजना का कार्यान्वयन स्कूल शिक्षक और साक्षरता विभाग के द्वारा किया जाएगा। वहीं प्रशिक्षण देने वाले में मुख्य रूप से सतबरवा हाई स्कूल के साइंस टीचर अभिषेक तिवारी, ग्राम पंचायत बकुरिया के दिनेश, उत्क्रमित मध्य विद्यालय मंगरबाद राखी खुद के अर्जुन कुमार मेहता मुख्य रूप से प्रशिक्षण देने में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। सतबरवा से बनारसी की रिपोर्ट। यह प्रशिक्षण निपुण भारत मिशन के तहत प्रारंभ किया गया है, जिसे मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के संबंध में बच्चों को विद्यालय स्तर पे किस तरह से हम बता सकते हैं, उनको किस तरह से खेल खेल में पढ़ाने के लिए हम व्यवस्था कर सकते हैं। शिक्षकों को इसीलिए यह प्रशिक्षण उपलब्ध कराई जा रही है।